जी हाँ, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब लकी पॉकेट लूटने के लिए खास करके ऑटो क्लिकर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों के कि इस वीडियो के माध्यम से कौन सा सबसे बेस्ट ऑटो क्लिकर है और साथ में ऑटो क्लिकर की कौन कौन सी सेटिंग्स लगानी पड़ती है कि सबसे तेज क्लिक लगा सके लकी पॉकेट में, तो इस वीडियो के माध्यम से बताया हूं। तो मैं सबसे पहले एक लास्ट अपील करना चाहता हूं आप तमाम लोगों से कि अगर हमारे YouTube चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और मैं उम्मीद करूंगा आप तमाम लोगों से कि इस वीडियो पे 300 लाइक्स चाहिए। एनी हाउ प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि 300 लाइक्स आप लोग देंगे। तो चलते हैं उस जगह पे जहां पे मैं वीडियो ऑटो क्लिकर की सेटिंग्स पूरी डीपली बता रहा हूं, तो लेट्स गो। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको ऑटो क्लिकर के बारे में बताता हूँ। तो प्ले स्टोर पे जाने का है, उसके बाद सर्च करना ऑटो क्लिकर। उम्मीद है सारे लोगों के पास होगा, लेकिन इसकी इस ऑटो क्लिकर की सेटिंग्स क्या है, एक्चुअल सेटिंग क्या है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलते हैं ऑटो क्लिकर क्लिक किया। ऑटो क्लिकर मेरा कहाँ गया, ये रहा ऑटो क्लिकर। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद परमिशंस का ये दे देते हैं। सबसे पहले सिंगल टारगेट मोड के बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स लगानी है। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये सिंगल डॉट आता है, ठीक है। इसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिली सेकेंड 100 लिखा है, ठीक है, 1 कर लेंगे। ध्यान रखेंगे सिंगल टारगेट में 1। इसके बाद से फिर नंबर ऑफ साइकिल है, यहाँ पे हमें सिंपली 3 करना है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से फिर आपको ये जो डॉट है ना, ये डॉट उसी जगह पे लगाने का है जहाँ पे लकी पॉकेट का ज्वाइन ऑप्शन शो करते हैं, और बस कुछ नहीं, सिंपली इंटर करना है सेकंड आईडी और प्ले कर देना है, ये अपना कमाल दिखाएगा। ये सिंगल टारगेट सिंगल मोड का ऑप्शन है, ये कट करते हैं इसे। अब क्लियर हो गया। अब आते हैं मल्टी टारगेट मोड, ठीक है। तो मल्टी टारगेट मोड के बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन सा सेटिंग्स इनेबल करना है। तो सबसे पहले इनेबल पे क्लिक मारते हैं। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप विंडो शो कर जाता है, ठीक है। इसके बाद सेटिंग्स पे हम क्लिक करना है, क्योंकि इसी सेटिंग्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, रन है, अमाउंट ऑफ, ये सब कुछ है। सबसे पहले अपना नेम का एक वो पार्टिकुलर सिस्टम बना लो, ताकि हमेशा इस तरह के बार बार करना ना पड़े, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल है, यहाँ पे 3 करना है, ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ साइकिल 3। और उसके बाद टाइम सेट कर लें 6 कर लें, टाइम सेट कर लें, ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम 6, ये हो गया। इसके बाद सेव कर लें आप। सेव करने के बाद सिंपली आपको करने का क्या है कि ये जो प्ले के नीचे जो प्लस का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करके 3 डॉट आप ले लें, ये 1 2 3 में डॉट ले लिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से अब इस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मिली सेकेंड 100 लिखा है, यहाँ पे नंबर 1 पे 2 करेंगे, 2 मिली सेकेंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2, और नंबर 3 पे 1 रखेंगे मिली सेकेंड, ठीक है, नंबर 3 जो बीच में है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप अपने हिसाब से सेट कर लें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से सिंपली आपको करना क्या है, बस लकी पॉकेट में जाना है और देर दनादन लूटना है भाई, आपको क्लिक में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ा तो बोलना। अब आते हैं हमें ऑटोमेटिक क्लिकर के बारे में, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्लिकर कहाँ गया, मिल गया जी। तो सबसे पहले सिंगल टारगेट मोड पे क्लिक मारते हैं, क्योंकि इसे भी करना है। तो सेटिंग्स पे हमें क्लिक मारना है। क्लिक करने के बाद टाइम बिटवीन क्लिक लिखा हुआ है 2 मिली सेकेंड, यहाँ 25 मिली सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 मिली सेकेंड कर लेना है, ठीक है। रेंडोमाइजेशन रेंज है, इसे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक ड्यूरेशन है, यहाँ पे आपको 1 कर लेना और सेव कर लेना है, ठीक है, ये है। इसके बाद से आपको बैक जाने का है, और बैक जाने के बाद सिंगल टारगेट मोड पे क्लिक मारना है एक बार। इसके बाद स्किप करें इसको। स्किप करने के बाद ये आपका विंडो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो टैप समझ लीजिए, टैपर समझ लीजिए, जो भी हो। और आप स्प्लिट लगा करके जहाँ पे लकी पॉकेट का जो ऑप्शन शो करता है ज्वाइन का, सॉरी, वहीं पे इसको लगा के रख दें, और बस लकी पॉकेट ओपन हो, प्ले पे बटन पे प्रेस करें। उसके बाद से भैया मतलब ये अपना काम करेगा और बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। अब इसे छोड़ें, अब आते हैं मल्टी टारगेट मोड, ठीक है। तो ये अब सेटिंग्स पे क्लिक मारते हैं। इसके बाद सबसे पहले ऊपर में लिखा स्टार्ट डिले लिखा है, डिले में आपको देख ध्यान रखेंगे, देख लें आप, ठीक है, यहाँ पे साफ शब्द में लिखा हुआ है डिले, ठीक है ना, मिली सेकेंड 0 मिली सेकेंड है। तो आपको इसी हिसाब से आपको सेट कर लें, एकदम ध्यान से देख लें आप, स्लो करके देख लें, यहाँ पे सब कुछ आराम आराम से बताया गया है, यहाँ पे जो भी है ध्यान से देख लें, ठीक है, ये है सब कुछ। स्वेप ड्यूरेशन है, यहाँ पे भी आपको 1 ही करना है, ध्यान से देख लें आपको, ठीक है ना। स्टार्ट डिले 0 है, और रेंडोमाइजेशन
वन रखेंगे, इन डिले 1 मिली सेकेंड है, क्लिक ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड है, ठीक है ठीक है। इसके बाद से आपको पिक्सल्स 3 रखेंगे, पिक्सल्स 3 रखेंगे। इसके बाद स्टार्ट मल्टी टारगेट मोड पे क्लिक मारते हैं, करने के बाद स्किप करेंगे, इसके बाद आपको ये पॉपअप विंडो आ जाएगा। इसके बाद प्लस पे क्लिक मारते हैं, 2, 1, 2, 3, मतलब जो भी आप अपने हिसाब से सेट कर ले, मैं तो 3 ही रखता हूँ, ठीक है। अब इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं कि जो सेट किया है कि नहीं। देख लो यहाँ पे है, स्टार्ट डिले 0 है, मिली सेकेंड 1 है, ठीक है, इंड डिले 1 है, ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड है। ये है ऑप्शन।